पता नहीं है सुंदर की पार्टी में मेरा क्या होगा। हर बार पैसों में फंसाता है, इस बार पता नहीं किसमें फंसाएगा। सेठ जी, पार्टी का फोन है। अरे क्या पार्टी 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 लगा रखा है? मुझे पार्टी के नाम में परेशान मत करो, मुझे कोई पार्टी में रस नहीं है, दिमाग खा गई है पार्टी। सेठ जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये ऑर्डर लिखवाने के लिए पार्टी का फोन है। बोलो। हेलो हेलो मालिक, बोलिए बोलिए। आपने कुछ सुना तो नहीं ना? सब सुना मैंने। सॉरी सॉरी, वो दरअसल कोई अपने ग्राहक से ऐसे बात करता है? नहीं नहीं करे, बिल्कुल नहीं करता वो। मैं क्या है, कुछ और बात कर रहा था। क्या हम आपका दिमाग खा गए? नहीं नहीं, अरे होए, मेरी बात सुनिए। मुझे अब आपको कोई ऑर्डर देना ही नहीं है। अरे सुनिए, हेलो हेलो सुनिए। ये सुंदर के टेंशन ने नुकसान करवा दिया। सेठ जी, हमारे गांव में एक बाबा आए थे, शांति प्रिय बाबा। 8-10 दिनों तक उनकी सेवा करने का मुझे लाभ मिला था। वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा, मनुष्य को हमेशा गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, और अगर गुस्से पर कंट्रोल ना हो तो अपने मुंह पर हाथ रखकर फोन पर बात करनी चाहिए। बाका, मुंह पे हाथ रखकर? हाँ नटू काका, उससे क्या होता है, आप फोन पे क्या बात कर रहे हो वो सामने वाले को सुनाई भी नहीं देता, और आप उसके गुस्से से बच भी जाते हैं। वो बाबा को सब लोग क्या फोन कर करके गुस्सा करते थे? देख भाई, तो भी मुझे ज्ञान की गोली मत खिला, एक काम कर, चाय पिला, मस्त कड़क चाय लेके आ। ये सुंदर की वजह से सर भारी हो गया है मेरा। सॉरी सेठ जी, हमारे बाजू में जो चाय वाला है वो आज बंद है। अरे भाई, तो तू बाजू के बाजू में जा या किसी के भी बाजू में जा, लेकिन चाय लेके आ। देख बागा, अगर तू कहीं से भी चाय लेके आया ना, तो मैं तुझे इनाम दूंगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह, वेलकम वेलकम बावरी बेटा, वेलकम। थैंक यू। अरे क्या वेलकम, ये बावरी है का नवरी है? इसका कुछ काम धंधा नहीं है, जब देखो तब आ जाती है। वो एक्चुअली मुझे पता चला कि आज आपके पास की चाय की दुकान बंद है और अभी चाय का टाइम हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे वाह सेठ जी, ये तो चमत्कार हो गया। आपको चाय पीने की इच्छा हुई और चाय आ गई। वाह, इसे कहते हैं चाय देवी, टी गॉडेस। पिलाओ बेटा पिलाओ, सबको चाय पिलाओ, पहले हमारे सेठ जी को चाय पिलाओ। हाँ, लाइए। कप इसमें से ही पीना है? नहीं, हाँ, ये है ना। हाँ, अच्छा, आपकी सोसाइटी में जो नए साल की पार्टी होने वाली है, उसकी पासेस हमें मिलेंगे ना? क्या हुआ सेठ जी, चाय अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, चाय अच्छी है। तो मुंह क्यों बिगाड़ा? अरे भाई शांति रखो ना आप, हर बात में पंचाते हैं आपको। मुंह क्यों बिगाड़ा, चाय अच्छी नहीं है ना? देखो बावरी, तुम्हें पास नहीं मिल सकते। क्यों? अरे क्योंकि मेरी पार्टी नहीं है, किसी और की पार्टी है, और ये पार्टी सिर्फ आमंत्रितों के लिए है। तो आप हम सब लोगों को इन्वाइट कीजिए ना, हम आएंगे। अरे बावरी बेटा, हमें इनविटेशन की जरूरत नहीं है, हम तो घर के लोग हैं। अरे घर के लोग भी बिना पास के नहीं जा सकता नटू काका, तो दीजिए ना। अरे मेरे पास पास नहीं है, आपको पास चाहिए तो भिड़े के पास जाइए। भिड़े? किससे भिड़े? नहीं नहीं बावरी जी, सेठ जी जिस गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ के एकमेव सेक्रेटरी है आ तू भिड़े। तू आ तो भिड़े, अच्छा है भिड़े। तू आ तो भिड़े नहीं, आ तू भिड़े, आत्माराम तुकाराम का शॉर्ट फॉर्म आ तू। तो फिर भिड़े का फुल फॉर्म? भिड़े तो फुल फॉर्म में ही है। अरे क्या चल रहा है ये? रिलैक्स सेठ जी, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म क्लासेस गोइंग ऑन, कंटिन्यूस माय चाइल्ड, कंटिन्यूस। हो गया नटू काका, तो चलिए ना हम गोकुलधाम सोसाइटी जाकर पार्टी के पास लेकर आते हैं। अभी? हाँ।
यस यस गो गो। क्या गो गो, इधर दुकान कौन संभालेगा? सेठ जी याद है आपने बागा को अभी क्या कहा था? क्या? कि तू मुझे चाय पिलाएगा तो मैं तुझे इनाम दूंगा। तो इनाम में उसे आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं कल ओवर टाइम कर लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जा। थैंक यू घेरामल जी। अरे घेलामल नहीं, जेठामल। जेठालाल, जेठालाल नाम है मेरा बहन। हाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक होती है। जाइए जाइए, हो आइए। आपको क्या लगता है बागेश्वर जी, हमें पार्टी के पासेस मिल जाएंगे ना? बावरी जी, गोकुल धाम वाले मुझे और नट्टू काका को अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भिड़े भाई हमें पास दे ही देंगे। हाँ? आ गया। आइए बैठिए ना। क्या हुआ, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं बावरी जी, मैं रिक्शा में आऊं? क्यों? नहीं ऐसे डबल सीट, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है बावरी जी। इसमें गलत क्या है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ ना। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मेरा मतलब है मैं गर्ल तो हूँ ही और आपकी फ्रेंड भी, तो हुई ना गर्लफ्रेंड। हाँ ये बात सही है। तो फिर सोचिए मत, जल्दी से बैठ जाइए। बैठ जाऊं? हाँ जी। एक मिनट, बैलेंस थोड़ा वहां से बैठता हूँ, अब हो जाएगा। एक मिनट, क्या नहीं हो रहा है वो बॉडी? एक मिनट। हाँ। एक मिनट बावरी जी, मुझे पीछे बैठने को नहीं हो रहा है। तो यहाँ आगे खड़े हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी स्कूटी चलाऊं? हाँ, और मैं आगे खड़े हो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, किसी को खड़े नहीं रहना है, आप पीछे बैठ जाइए और मैं आपकी स्कूटी चलाता हूँ, चलेगा? हाँ, मेरी स्कूटी आपकी स्कूटी, चलाइए ना। थैंक यू, आ जाइए पीछे आ जाइए। एक मिनट। हाँ शाबाश, बैठ गई। हाँ चले। हाँ चले बाबा, लवकर कर लवकर। जी हाँ जी। कमाल भी, ये लाइट वाला कहाँ गया? ओ भाई साहब। हाँ जी साहब। ये लाइट वाला किधर गया? अब दो मिनट में आ जाए, गाड़ी में सामान उतार रहा है। कमाल है, काय सामान उतार रहा है, तुम लोग बहुत लाइटली ले रहे हो काम को। शाम को पार्टी सब तैयार करना है हमें। बहुत जल्दी कर देता हूँ। अरे सॉरी सॉरी, लेकिन तुझे क्या हो गया? अरे भाई, अरे 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 भाई, सीढ़ी में से निकालो मुझे। अरे सीढ़ी नीचे करो, फंस गया मैं। अरे ये सामने, अरे ये पोपटलाल, हरुदा हरुदा, अरे सीढ़ी निकालो। अरे भाई, अरे भाई, अरे क्या चल रहा है? अरे अरे हरुदा, अरे 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 मुझे बाहर निकालो। अरे घोड़ा पोपटलाल, क्या मैरिक में फंस गया हूँ। नीचे तुम नीचे इधर इसको ऐसे करो। अरे सीढ़ी का ऐसे करो, उसको डायरेक्शन मत दो, तुम नीचे आओ, नीचे तुम नीचे आओ। अरे सीढ़ी को ऊपर करो, ऊपर करो, चलो चलो, आने दो, जाओ नीचे। अरे मेरा छाता, एक मिनट, मेरा छाता, छाता दे दो। चलो अभी अभी मैं अटक जाऊंगा बाजू। सॉरी साहब, गलती होगी, माफ करना। अरे क्या सॉरी, इस सोसाइटी का काम है इसलिए जाने दे रहा हूँ, वरना दुनिया हिला देता। जाओ भाई, जाओ जाओ, काम करो, जाओ जाओ। भाई ठीक हो बोपटलाल? अरे क्या ठीक हो, एक मिनट के लिए लगा कि ये सीढ़ी सीधा स्वर्ग जाती है। चुप बोल रहे नारिया, क्या बोल रहे हो पोपटलाल, तुम चुप चुप बोलो, अभी ठीक हो ना तुम? ठीक हो भाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमें स्टेज किस तरफ लगाना चाहिए? स्टेज भिड़े, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेज ऐसी जगह लगाना चाहिए कि लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े रहकर प्रोग्राम भी देख सके और हमें लाइट का कनेक्शन भी मिल जाए। ठीक है चलो, वो मैं कर लूंगा। भाई भिड़े, ये प्रोग्राम की तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है। तो फिर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट पोपटलाल। क्या बात है,
अभी तुम्हारी शादी की बात ले लो, एक दिन में तैयारी की थी कि नहीं की? नहीं मतलब तुम्हारी, मतलब बुलबुल की शादी के लिए। सांगायचा मुद्दा हा कि प्रैक्टिस से सब हो जाता है पोपटलाल। और अभी सुंदरलाल ने मुझ पर इतना भरोसा रखा है तो मुझे काम तो करना पड़ेगा ना। क्या है, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है इसलिए। लेकिन हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। कुछ भी हो तो मुझे बोलना। हाँ हाँ, आ गए बावरी, उतरो। आओ बावरी, आओ आओ। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी ओर से भी प्रणाम। आप ये बावरी है जिसने वो जेठालाल के गोदाम में कांदे रखे थे ना? ओहो, कांदे वाली, वेलकम वेलकम। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बावरी, मैंने तुम्हें दुकान में नहीं कहा था वो शॉर्ट फॉर्म आ तू भिड़े? ये उन्हीं का फुल फॉर्म है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या बात है बागा, सुबह सुबह घूमने निकले हो? नहीं नहीं नहीं, दरअसल हमें भिड़े भाई से काम है। बोलो। भिड़े भाई, वो आपकी सोसाइटी में जलसा पार्टी 2014 होने वाली है ना, हमें उसके पासिस चाहिए। मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो कितने में मिलेंगे? सॉरी बागा, तुम सोसाइटी के मेंबर नहीं हो इसलिए तुम्हें पासिस तो बेच नहीं सकते। अरे भिड़े? लेकिन तुम और नटू काका गोकुलम के फैमिली मेंबर जैसे हो इसलिए तुम दोनों को एंट्री फ्री। ये हुई ना बात। थैंक यू भिड़े भाई। अरे थैंक यू क्या बागा, तुम लोगों ने सोसाइटी के हर सुख दुख में हमारा साथ दिया है, हर काम में हमारी मदद की है, तुम्हारा हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आपकी फैमिली मेंबर नहीं हूँ। तो क्या हुआ बावरी, तुम बागा की दोस्त हो इसलिए तुम्हें भी एंट्री फ्री। थैंक यू वेरी मच जी। देखा बावरी, मैं ना कहता था कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले मुझे और नट्टू काका को अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं। भिड़े भाई, मेरे लायक कोई भी काम हो तो बताइए। हाँ, हम दोनों मिलकर फटाफट कर लेंगे, एक से भले दो। और वैसे भी हमारी जोड़ी तो कोई भी काम यो चुटकी बजाकर कर सकती है। नहीं नहीं बावरी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन यहाँ पे काम सबने आपस में बांट लिए। अभी कैटरिंग का काम हाथी भाई की मोनोपोली है, वहाँ पे किसी को घुसने नहीं देंगे वो। बराबर। लाइट और साउंड टप्पू सरा ने संभाल लिया है, बाकी छोटे मोटे काम मैं देख रहा हूँ। तुम तीनों सिर्फ टाइम पर आ जाना और एंजॉय करना। थैंक यू भिड़े भाई। अच्छा हम चलते हैं। ओके पोपट भाई, थैंक यू। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो बावरी, बाय बाय, मजा करेंगे। एक मिनट, हाँ आ जाओ बैठो, आराम से जाना। हाँ हाँ, और शाम को जल्दी आना। हाँ हाँ, अच्छा चलते हैं। ओके हाँ जी, हाँ जी, ओके बाय। ओ पत्रकार जी, किस सोच में पड़ गए? भाई भिड़े, बागा और बावरी को देखकर बहुत खुशी होती, उम्मीद करता हूँ कि 2014 में मेरी भी शादी हो जाए। वाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है पोपटलाल, तुम चिंता मत करो, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू चलो तक अमल लागू है, अहमदाबाद से गेस्ट आते होंगे, काम खत्म करना है। चलो चलो काम करो। ओ भाई साहब, भाई इधर आओ, ये उठाओ सरा, मदेश टाकून थे बोले। कर लिया है, पार्टी में फुल ऑन तैयार होके जाएंगे और स्टार्ट से एंड तक नॉन स्टॉप डांस करेंगे, दैट्स इट। यस हाँ, और जो डांस नहीं करेगा उसको मिलेगी पनिशमेंट। अगर भाई पनिशमेंट क्यों? नहीं नहीं, पनिशमेंट का वगैरह नहीं रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, भिड़े बहन रोशन भाभी बराबर है, बराबर है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और जो भी डांस नहीं करेगा उसको पनिशमेंट ये होगी कि उसको सुबह तक डांस करना पड़ेगा। राइट, ये अच्छी पनिशमेंट है। एक मिनट, वैसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुंदर भाई ने इतने बढ़िया डांस और म्यूजिक के ग्रुप को इनवाइट किया है कि कोई अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। मैं तो कहती हूँ जिसको डांस करना आता नहीं है ना, वो भी डांस करने लगेंगे, यू नो। टाइम इतना स्लो क्यों जा रहा है? आई जस्ट विश जल्दी से रात हो जाए और जलसा पार्टी 2014 बस शुरू हो जाए। ये अरे पवित्र जी, मेरा मन तो कब से मोर बनकर
मत जाना। मतलब आज कोमल भाभी हाथी भाई के आजू बाजू मंडराएगी। तो फिर कंफर्म रहा, हम लोग तैयार होके पार्टी में फुल ऑन धमाल करेंगे। अरे हम तो पार्टी वेयर पहनेंगे, लेकिन हमारे हस्बैंड्स को भी हम पार्टी वेयर ही पहनाएंगे बस। यस, अग्दी बरोबर। मैंने तो इनको पहले से ही बोल के रखा है कि आज की पार्टी में नो कुर्ता पैजामा, ओनली वेस्टर्न आउटफिट। और नो शिस्ता, नो नियम। ओके, द थ्री चीयर्स फॉर जलसा पार्टी 2014। थैंक यू वेलजी भाई। अरे लेकिन मुबारकबाद किस लिए दे रहे हो तो बताइए। सेट्टी भाई के नई होटल का ऑर्डर हमको मिला है। पचास पचास रूम की बना रहे होटल, उसमें टीवी फ्रिज सब। हाँ भाई, ऊपर वाले की दया है। हेलो वेलजी भाई, एक और फोन आ रहा है, मैं वापस लगाता हूँ आपको। दया का फोन फिर से सुंदर पुराण चालू करेगी। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी घर पर आ जाइए ना। क्यों, आज कड़वा चौथ है? कपड़ा चौथ है। अरे टप्पू के पापा, आज रात को पार्टी है ना, तो आपके लिए मस्त पार्टी के कपड़े मंगवाए हैं। वो कपड़े आपको बराबर होते कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा ना, तो चेक करने के लिए मैं आपको जल्दी बुला रही हूँ। क्या है, अगर कपड़े लूज या टाइट हुए तो उसके रिपेयरिंग के लिए भी थोड़ा टाइम तो चाहिए ही ना। अरे दया, कपड़े ठीक नहीं होंगे चलेगा, पार्टी ठीक होनी चाहिए। ठीक? अरे पार्टी ठीक क्या, ठीक हो, ठीक होगी ठाकुर। टप्पू के पापा, आप जल्दी घर पर आ जाइए ना, उनके मेहमान भी आने वाले हैं, उनकी हफ्ते सप्ताह करनी है, बहुत कम है, तो आप जल्दी आ जाइए। हाँ भाई, कोशिश करूंगा, आ जाऊंगा घर, जल्दी आ जाऊं। बाय। हाँ बाय। हाँ बाय। सब लोग रुको, क्या ऐसी हालत में पार्टी में जाओगे सब लोग? बराबर है। देखो भाई, मैं सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि इस गोकुलधाम सोसाइटी में हम आज पार्टी मनाने वाले हैं। और आप सब लोगों के कपड़े तो देखो भाई, मैंने आप सब लोगों के लिए आराम होटल में व्यवस्था कर दी है। वहाँ जाओ, नहाओ, फ्रेश हो जाओ और फिर यहाँ पार्टी में आओ। ये बराबर है, ये बराबर है। लेकिन सुंदर मानना पड़ेगा, क्या डेकोरेशन है, वाह वाह वाह, बापू रंग रखियो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, पार्टी देखोगे ना तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अरे आज तो सब कुछ अनलिमिटेड है, खाना पीना अनलिमिटेड, गाना बजाना अनलिमिटेड। अरे आज तो ऐसा जलसा होगा कि जिंदगी के हर जलसे से पहले तुम्हें आज का दिन याद आएगा। ये बात भी बराबर है। तो चलो अभी फटाफट होटल पे जाओ, चकाचक कपड़े पहनो, अत्तर लगाओ, स्प्रे लगाओ और फिर वापिस आ जाओ और पार्टी पे टूट पड़ो। आज सब कोई रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए। लेकिन सुंदर याद रखना, जिस तरह से तूने बताया ऐसा अगर प्रोग्राम नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नहीं, हटिया टूटेगी, याद रखना। अहमदाबाद वाली थसे हो तू ऐसे पोती भाई तो बराबर है। पोचे भाई तो मजाक कर रहे हैं, मजाक करने की उनकी आदत है। पोचे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम झक्कास पार्टी होगी। ओके चलो सब लोग फटाफट बस में बैठ जाओ, आराम होटल पे जाओ, वहाँ से फटाफट तैयार होकर वापिस आ जाओ। एक मिनट कीमती है। चलो चलो बैठ जाओ गाड़ी में, चलो फटाफट, चलो 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 भाई, एक मिनट कीमती है अभी, चलो भाई चलो चलो फटाफट। जलसा पार्टी 2014, इस पार्टी का मजा उठाने के लिए अहमदाबाद से डिस्को दीवाने मुंबई आ पहुंचे।
और तो और गोकुल धाम में महिला मंडल ने, टप्पू सेना ने, जेंट्स ने, सभी ने इस पार्टी का प्याला उठा लिया है। लेकिन भाई कई बार प्याला हाथ में आता है लेकिन गले से नहीं उतरता। भाई मैं ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चूंकि पार्टी सुंदरलाल ने आयोजित की है तो कहीं कुछ धमाल न हो जाए, क्योंकि सुंदरलाल के तीर का निशाना हमेशा जेठालाल बनते हैं। तो इस बार ऐसा कुछ ना हो जाए कि भाई सारी की सारी गोकुल धाम सोसाइटी सुंदरलाल का निशाना बन जाए, कहीं कुछ अफरा तफरी ना हो जाए। भाई अंदेशा नहीं है, वैसे ही सोच रहा हूँ। भाई ऐसा हो गया तो क्या अहमदाबाद की ये डिस्को दीवाने पार्टी का मजा उठा पाएंगे? क्या हम गोकुल धाम निवासी जलसा 2014 को एंजॉय कर पाएंगे? भाई सवाल तो बहुत सारे, लेकिन आप जानते हैं सवाल जैसा भी हो जवाब हंसी के साथ मिलेगा अगले एपिसोड में। देखते रहेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.